नमस्कार आप सभी साथियों को। और आज की जो प्रेस वार्ता है वो हर बार की तरह केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति जो उनका उदासीन रवैया है, दिल्ली पुलिस की चरमराई हुई व्यवस्था है, उसको लेकर ही है। बहुत दुखद विषय पर आज आपके सम्मुख हम लोग आए हैं। संगम विहार में जिस प्रकार से एक 21 साल की बच्ची के साथ बर्बरता पूर्वक बलात्कार की घटना को अंजाम देते हुए उसकी हत्या की गई है और पुलिस का जिस प्रकार से रवैया देखने को मिल रहा है, ये बेहद शर्मनाक है और बेहद दर्दनाक घटना हुई है ये संगम विहार की। अगर बीते 30 दिनों की बात करें, बीते एक महीने की बात करें, तो दिल्ली देश की राजधानी में 4 से लेकर 5 मुख्य बड़ी घटनाएं बलात्कार की हम लोगों के सामने हैं। 1 अगस्त को नंगली गांव की घटना घटी त्रिलोकपुरी में, उसके बाद 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घिनौने अपराध की घटना सामने आई, नरेला की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, और आज 21 साल की ये जो बच्ची है इसके साथ किस प्रकार से गैंगरेप की घटना होना, उसकी फिर हत्या कर देना, और पुलिस का रवैया बिल्कुल इस तरीके से कि वो अपने पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। ना संगीन कार्रवाई करी, ना कोई गंभीर मुकदमे दर्ज करे, और अगर कोई बात करते हैं तो बात सिर्फ लीपापोती और उसको जो है एक केस, महज एक केस बनाकर रख देने वाला रवैया जो लगातार दिल्ली पुलिस का दिखाई दे रहा है, ये बेहद शर्मनाक है और बेहद दुखद है। दिल्ली की जो आधी आबादी है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन आती है। अमित शाह जी पता नहीं किन कार्यों के अंदर व्यस्त हैं, पता नहीं कहां पर अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये कहना चाहती हूं कि प्रतिनिधि होने के साथ साथ दिल्ली की बेटी भी हूं, दिल्ली की महिला भी हूं, और हम महिलाओं की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपके अधीन है। दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है। दिल्ली पुलिस की दिन प्रतिदिन लापरवाही और महिलाओं पर होते हुए अत्याचार, बढ़ते हुए अत्याचार इस बात की और इशारा करती है, इस बात का सबूत है कि दिल्ली पुलिस के बस की नहीं है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करना। और मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की बस की भी अब नहीं रहा है हमारी दिल्ली की बहन बेटियों को की सुरक्षा सुनिश्चित कराना, उनकी इज्जत को बचाना, या फिर उनके लिए ऐसा माहौल बनाना कि वो देर सवेर अपने घर से निकल सके, अपनी नौकरी पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, या कहीं पर भी वो खुले दिमाग से या निडरता के साथ जा सके। तो मेरा निवेदन है केंद्र की सरकार से, गृह मंत्री से और अमित शाह जी से कि अगर आपसे दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, अगर आप दिल्ली की आधी आबादी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अगर दिल्ली पुलिस आपके नेतृत्व में बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो आप इस दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए। आप जब दिल्ली पुलिस को नहीं जो है उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला पा सकते, अगर ये दिल्ली पुलिस हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित करा पा रही है, तो हम दिल्ली की सरकार में बैठे हुए इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप दिल्ली पुलिस को हमें सौंपिए, हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से अपनी इस आधी आबादी को सुरक्षा भी देंगे और उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाएंगे और ऐसा वातावरण दिल्ली के अंदर बनाएंगे कि हमारी चाहे छोटी बेटियां हों, युवा महिलाएं हों या बुजुर्ग महिलाएं हों, सब लोग जहां पर भी हैं, चाहे वो अपने कार्यस्थल पर है, चाहे वो अपने घर में है, पार्क में है, मार्केट में है, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। मैं गृह मंत्री जी से इस बात का निवेदन करती हूं कि आप इधर उधर की बातें छोड़कर, अपने राजनीतिक जो आपकी यात्राएं हैं उनको छोड़कर, कम से कम एक बार दिल्ली की स्थिति और परिस्थिति पे पुलिस के कमिश्नर के साथ बैठकर आप इसकी मुआयना करें और हमारी बेटियों को
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी महत्वपूर्ण कदम है वो आप जरूर उठाएं, क्योंकि दिल्ली की आधी आबादी आए दिन किसी ना किसी घटना का शिकार हो रही है और ये बेहद शर्मनाक है और ये बेहद चिंताजनक बात है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, अगर आपसे दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, अगर आप दिल्ली पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अगर आप दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो निवेदन है आपसे, एक बेटी होने के नाते आप दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए। मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करते हो करने के हेतु जिस प्रकार से कैमरे लगा रही है, मार्शल तैनात कर रही है, उस प्रकार से हम अपनी दिल्ली पुलिस अगर हमारे अधीन आती है तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित भी करेंगे और उन्हें ऐसा वातावरण देंगे जिस माहौल में वो निर्भय होकर बिल्कुल एक अच्छी सोच और एक मजबूती के साथ जीवन अपना यापन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है वंदना कुमारी जी शालीमार बाग से विधायक हैं हमारी, वो भी अपने दो शब्द आपके सामने रखेंगे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरह से दिल्ली की पूरी आधी आबादी आज डर के माहौल में जी रही है, वो घर से निकलते ही उनको लगता है हमारे साथ क्या हो जाएगा। माँ जो घर पे रहती है वो परेशान रहती है जो हमारी बेटी जा रही है तो सुरक्षित आएगी कि नहीं। आज दिल्ली की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, जैसा राखी जी ने बताया, जो लगातार 3 महीने से तो एक क्लोज हम लोग देख रहे हैं जो महिलाओं के साथ किस किस तरह की बब्बरता और किस किस तरह की घटना हम सबके सामने आ रही है। मैं आज अपने गृह मंत्री जी और अमित शाह जी किस तरह से व्यवस्था बनानी चाहिए इसके लिए पुरजोर मेहनत करें और पुरजोर उनको पावर दें, सारी पावर अपने हाथ में ना रखें और दिल्ली की पुलिस को ताकत दें। अगर दिल्ली की पुलिस उनसे नहीं संभलती तो दिल्ली सरकार को दिल्ली की पुलिस दे दे, ताकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है, जहां तक संभव है CCTV के माध्यम से, मार्शल के माध्यम से और भी बहुत सारी व्यवस्था बना के, उसी तरीके से हम दिल्ली पुलिस के साथ भी मिलके दिल्ली की महिलाओं को की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ताकि हमारी बहन बेटियां महफूज रहे और वो अमन चैन की ज़िंदगी जी सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।